हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आज मैं लखनऊ के अवध बस अड्डे पर आया हुआ हूँ। जी हाँ, ये लखनऊ का अवध बस अड्डा है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को दो बस अड्डे दिखाए। मैंने लखनऊ का कैसरबाग बस अड्डा दिखाया था और उसके बाद मैंने चारबाग बस अड्डे का वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया, और ये तीसरा बस अड्डा है अवध बस अड्डा। तो आप सभी लोग यहाँ का बस स्टॉप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो चलिए आप लोगों को अंदर का कुछ सीन दिखाते हैं एंड आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहें ताकि वीडियो का पूरा मज़ा ले सकें। जैसा कि आप भी लोग देख रहे हैं, मेरे सामने जो है ये है अवध बस अड्डा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लखनऊ में कई सारे बस अड्डे हैं, जैसे कैसरबाग बस अड्डा और चारबाग बस अड्डा और कई सारे बस अड्डे हैं। तो मैंने उस सारा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं था, मैं सिर्फ यहाँ पर एक दो दिन रुका था, इसलिए मुझसे जितना हुआ उतना मैंने वीडियो बना दिया है। तो आप लोग यहाँ का बस अड्डा देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा बस अड्डा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ का सबसे बड़ा बस अड्डा जो है वो कैसरबाग बस अड्डा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा तो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में कैसरबाग बस अड्डा करके लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग वहाँ से जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। और चारबाग बस अड्डे का भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सभी लोग चारबाग बस अड्डा भी देख सकते हैं। तो ये है अवध बस अड्डा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहराइच के लिए जो बसें होती हैं वो अवध बस अड्डा से, मतलब अवध बस अड्डा से काफ़ी जाती रहती है और आती भी रहती है बहराइच से। यहाँ से आप सभी लोग सीतापुर, लखीमपुर खीरी या फिर दिल्ली और भी कई सारी जगहों पर ये बस जाती है, मतलब यहाँ से आती है। अगर आप सभी लोग कहीं जाना हो तो आप सभी लोग इंक्वायरी बूथ से अपनी बस का इंक्वायरी कर सकते हैं, वहाँ पे वो बता देगा कि कौन सी बस और कब और कहाँ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप भी लोग देख सकते हैं ये सारी जो यात्रियों के बैठने की जो है वो जगह बनी हुई हैं। यहाँ पे अगल बगल छोटी मोटी दुकानें भी हैं, अगर आप भी लोगों को पानी या फिर कुछ भी लेना हो तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर बगल में कॉफ़ी की भी दुकान है और चाय भी मिलता है, तो आप भी लोग कॉफ़ी या फिर चाय पीना चाहें तो आप भी लोग पी सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी शाम का टाइम है, मतलब रात हो चुका है बिल्कुल, तो इस समय यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। और दिन के टाइम पे दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसा नहीं है कि रात में बसें नहीं चलती हैं, बसें तो रात में भी चलती हैं, पर रात में उतनी भीड़ नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ जो था आपको दिखा दिया है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगला वीडियो कहाँ का चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।